आज की हेडलाइन पर। गुरमीत राम रहीम जिस जेल में बंद, वहां से मिले 3 मोबाइल फोन, मचा हड़कंप। बरेली में दुष्कर्म के साथ महिला की हत्या, झाड़ियों में मिला अर्धनग्न शव। जापान में तेज रफ्तार से नाव समुद्री जीव से टकराई, 80 लोग गंभीर। अब खबरें विस्तार से। गुरमीत राम रहीम जिस जेल में बंद, वहां मिले 3 मोबाइल फोन, मचा हड़कंप। रोहतक प्रदेश सुनारिया जेल में हाई सिक्योरिटी जेल है। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम इस जेल में बंद है। इस कारण जेल में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम है, लेकिन इसके बावजूद भी जेल में निरीक्षण के दौरान मट्टी में दबे हुए 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। बरेली में दुष्कर्म के साथ महिला की हत्या, झाड़ियों में मिला अर्धनग्न शव। नवाबगंज कस्बा के जंगल में घास काटने गई महिला की गला दबाकर की गई हत्या, उसका अर्धनग्न शव मिलने से शनिवार को झाड़ियों में मिला है। आशंका है कि दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 50 वर्षीय महिला के पति की मौत 10 साल पहले ही हो चुकी थी। शुक्रवार को वह गाय को घास चराने के लिए ले गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटने से गांव वालों ने महिला की तलाशना शुरू कर दी थी। शनिवार को सुबह पुलिस को सूचना मिलते ही सिपाही ने झाड़ियों में छानबीन शुरू कर दी थी। इसी बीच महिला का शव अर्धनग्न स्थिति में मिला। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जापान में तेज रफ्तार नाव समुद्री जीव से टकरा गई, 80 लोग घायल हो गए। उत्तर पश्चिम तट पर एक नाव समुद्री जीव से टकरा गई थी, जिसके बाद पलट गई थी। हादसे में करीब 80 लोग घायल होने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि नाव तेज रफ्तार में थी। हादसे में हुई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नाव में 121 यात्री सवार थे। घायलों में 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS Hindi ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।